हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाँ जी जी मैं ठीक ठाक। आप सुनाओ, आप सब कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? खैरियत है? सब लाइव सेशन को जरा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अगर किसी ने लाइव देखना है तो वो भी आ जाएं जल्दी से। मैं देखो अभी मेकअप की क्लास दे के फ्री हुई थी, जल्दी जल्दी से मैंने अपनी जो क्लास में सिखाया था उसको रिमूव कर दिया। मेरा फेस बड़ा ब्राइट लग रहा है, मैं विंडो के आगे बैठी हुई हूँ इतनी अच्छी रोशनी आ रही है। खैर बस ब्राइट लग रहा है, क्लीन नहीं लग रहा। मैक ब्रांड की यार जिनको सूट कर जाती है उनके लिए अच्छी होती है। कोई भी फाउंडेशन या कोई भी बेस ऐसी नहीं होती है ना कि सबको सूट करे या सबके लिए अच्छी हो। मैंने मैक के बहुत बुरे रिव्यूज भी सुने हैं। मैं जिनको नहीं सूट करती उनके रिव्यूज भी अच्छे नहीं होते, जिनको सूट कर जाते हैं उनके रिव्यूज भी अच्छे हो जाते हैं। बट डिपेंड करता है सूट करने पर कि सूट कर गया या नहीं। फैज अमजद, थैंक यू सो मच डियर मैं वही कह रही हूँ ना, फेस ब्राइट लग रहा है लेकिन क्लीन नहीं लग रहा। ये पता नहीं कब मेरी जान छोड़ेंगे इसको। इसको मैंने सुबह छेड़ दिया, ये वैसे इतना रेड था नहीं, इसको मैंने छेड़ दिया ना, छेड़ने के बाद ये रेड हो गया। यार सबसे अच्छा फाउंडेशन जो है ना, अब देखो सारी स्किन्स पे भी डिपेंड करता है कि किसकी स्किन कैसी है, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन। जैसी स्किन होती है जाहिर चीजें वैसे की सूट करती है। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई फाउंडेशन या कोई भी चीज बेस्ट होती है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस पे जो सूट कर जाता है ना उसके लिए वही बेस्ट होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी को ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें अच्छी लगती है, उनको लगता है जो जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। किसी मेरे जैसे को रीजनेबल प्राइस वाली भी अच्छी लगती है। यार काम चल रहा है ना तो बस ठीक है मैं ठीक ठाक जी, आप कैसे हो? थैंक यू हरिदी, थैंक यू सो मच। ये देखो ब्रोकन हार्ट है कि ब्रोकन हीट है? ब्रोकन हीट, ये ब्रोकन हीट क्यों लिखा हुआ है? मुझे लगा हार्ट लिखा होगा, नहीं हीट लिखा हुआ है। बस देखो मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, बस समझ जाओ मैं सही कह रही हूँ। जो चीज जिसको सूट करती है ना वो उसी के लिए बेस्ट होती है। कोई बंदा, मैं भी अपनी किसी वीडियो में अगर आपको किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ ना, वो मेरे अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि मैंने उन चीजों को आपके ऊपर तो लगा के नहीं चेक किया ना कि वो आपको सूट कर रही है या नहीं। वो मेरे अकॉर्डिंग होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सूट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाएं और जाकर उठा कर लेकर आ जाए तो बाद में आपको सूट ना करे तो आप कहो ना आप तो कह रही थी बहुत अच्छा है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो मेरे मेरे रिव्यूज होता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता ना कि अब चीज को ले और वो डिफरेंट डिफरेंट स्किन पे, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे ट्राई करे फिर रिव्यू दे। सब खुद ही ट्राई करके रिव्यू दे देते हैं बस। मैं आजकल लाइव इधर ही आ रही हूँ लाइव अभी तो। मेरा ना वैसे थोड़ा बिजी थी तो लाइव आ नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और लाइव आ रही थी, आजकल आती तो इधर ही हूँ। अभी मैं इंस्टा वगैरह पे तो गई नहीं लाइव, काफी दिन ही हो गए हैं मुझे तो लाइव आए हुए। चलें जी जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं। इज दिस अ स्कार्फ ओवर योर लिप्स? स्कार्फ के स्कार स्कार ओवर लिप्स पता नहीं यार, मेरे मेरे मुंह को बड़े मसले हुए हैं। मैं छोड़ दो बस मेरे मुंह की बात मेकअप करते। मॉइस्चराइजर लगा लिया था मैं, जरा ये थोड़ा सा प्राइमर भी लगा लूं।
भाई जो भी है, हम मेकअप करके तो अच्छे लगते हैं ना, मेकअप के बगैर जैसे भी लग रहे। मेकअप से मुझे याद आए, मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको दो लगाऊं। उसने लिखा हुआ था ना, पता नहीं मेल था फीमेल थी, आप मेकअप करके ना ही लग रही है ना शी लग रही है। अब बताओ जरा ऐसे में मैं क्या करूं, दो लगानी है ना फिर। चलें जी आईब्रो फिल करते हैं। आईब्रो के लिए मैं पोमेड ही यूज करूंगी, मेरी एक्चुअली में 12 बजे क्लास है, तो मैं उसे पहले पहले जो है अपना काम डन करना चाहती हूँ, क्योंकि क्लास से पहले थोड़ा मेकअप भी रिमूव करना है, एक दो वीडियोस भी बनानी होती हैं, जरा शशके भी लेने होते हैं, शशको वाली पिक्चर्स भी लेनी होती हैं। इसी वजह से आप लोग जल्दी जल्दी से बस मेरा मेकअप देख लें कि मैं क्या करने वाली हूँ, ताकि आप लोग में से जो लोग मुझे लाइव के लिए मैसेज कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ, कहाँ हूँ मैं कहीं नहीं थी, मैं इधर ही थी। यार मेरे पास डार्लिंग इतना टाइम नहीं होता मैं किसी को ब्लॉक करूं, इसीलिए तो हमने यहाँ मॉडरेटर्स रखे हुए हैं कि यार आके थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, मैं मेकअप करूं कि ब्लॉक करूं। वीडियोस में भी ऐसे होता है, इतने सारे लोगों के रॉन्ग कमेंट भी होते हैं, मतलब किस किस को ब्लॉक करे। यार वो ब्लॉक करने का इश्यू नहीं है, एक को ब्लॉक करोगे तो 10 और भी होते हैं, तो कौन अब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता रहे ब्लॉक करने वाले को। हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही हो मुझे किसी की कमेंट से, तो फिर डेफिनेटली मैं ब्लॉक भी करती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि तभी मूड हुआ ब्लॉक कर दिया, ना हुआ तो फिर छोड़ दिया। हरी दी थैंक यू सो मच। हाँ, मैं दफ़ा कर देती हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जोर शोर से दफ़ा करती हूँ। यू लॉस सो मच वेट, मजाक कर रहे हो यार, ये 2-3 दिन पहले तो मैंने वीडियो बनाई थी सबको मेरा मोटापा नजर आ रहा, सबको मेरा मोटापा नजर आ रहा था। आप यकीन करो मैंने ना ऐसा फुल फुल वाली पिक्चर डाली थी, ठीक है वीडियो डाली थी, इतने मजे के कमेंट्स हैं, मुझे मुझे सीरियसली मुझे ना बुरा नहीं लगा। आप तो मोटी हैं, आप तो पता नहीं क्या, आप लोग पढ़ना जरा जाके ना कमेंट पढ़ना, मजा आ जाएगा। अगर आप लोग कभी बोर हो गए ना, अगर आप लोग कभी बोर हो रहे होगे ना, चाय का कप पकड़ना और वो जो मैंने फुल वाली वीडियो डाली थी ना, वो जाकर देखना, उसके कमेंट पढ़ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। और आप मुझे कह रहे मैंने वेट लूज किया है, अब मेरा वेट ना इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन पता है क्या, ये जब से लॉकडाउन लग गया ना, घर में बैठ बैठ के वेट गेन हो गया। चाहते तो हम लूज भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा मैंने इसीलिए खाया था, मुझे लग रहा था यार कोरोना वायरस आया है, और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है ना, इम्यूनिटी कम होती है उनको तो वायरस बड़ी जल्दी अटैक करते, मेरे यार बच्चे छोटे छोटे से हैं, अगर मुझे वायरस लगे मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इसी चक्कर में ना मैंने खूब खाया, टका के खाया। अब जब खाना था तो जाहिर है वॉक तो हो नहीं रही थी, तो फिर वेट तो गेन होना था, इसी चक्कर में मेरा वेट गेन हो गया, और अब अच्छा खासा गेन हो गया। तो वो खा खा के ना ऐसी आदत पड़ गई है कि अब दिल करता खाते रहो, मजा आता है ना, जो दिल किया खा लिया बिना किसी टेंशन के, तो वो वेट गेन हो गया। और अभी हम कोंडो में मूव हुए ना, तो जाहिर अब यहाँ जिम है, जिम में अभी तक जाने का टाइम नहीं मिला, इतने काम है ऊपर। अगर आप में कोई यहाँ पे एनफील्ड वाले एरिया में रह रहा है ना, यहाँ स्क्वायर वन के पास पास, और कोई जिम जाता है, मुझे अपने साथ ले जाया करो बहन, मैं जाना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा इसीलिए नहीं कि मुझे वेट लूज करना है कि लोग कह रहे हैं या जी आप हेल्दी हैं ये वो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं किसी के लिए वेट नहीं लूज करूंगी, मैं वेट सिर्फ इसलिए लूज करूंगी कि मुझे ज्वाइंट्स में पेन पेन रहने लग जाता है फजूल की चीजें खा खा के। मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके ज्वाइंट्स में जो इतनी जल्दी पेन होने लग गया ना, आप ओवर वेट हो रही हैं, तो आप अपने वेट को जरा कंट्रोल करें, मुझे इसीलिए वेट लूज करना है। तो अगर आप में से कोई एक्सरसाइज करता है या जिम शिम जाता है, तो यार मुझे उठा लिया करो यहाँ से जाते हुए, मैं भी चली जाया करो, उठा ना लिया करो बल्कि ले जाया करो साथ, कौन उठा सकेगा मुझे। चले खैर आईब्रोज की फिलिंग करें, साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी, बातें करने लग जाओ ना, काम बहुत लटक जाता है भाई, मेरी क्लास का टाइम हो जाना फिर मैंने भाग जाना, मैं चाह रही हूँ मैं कंप्लीट करके भागूँ, छोड़ के ना भागूँ। और आप में से जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे नहीं फॉलो किया वो प्लीज कर लीजिएगा, आप ऑरेंज करेक्टर लगा कर लगाते हो ना, क्या नाम है रूपी,
ऑरेंज करेक्टर लगा कर आप ना उसके ऊपर पहले थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया करो, फुल कवरेज कंसीलर लगाया करो। मैं आपको कंसीलर दिखाती हूँ, आप ये वाला कंसीलर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। ये कवर गर्ल का कंसीलर है, जो मैं शेड यूज करती हूँ ना, ये नेचुरल गोल्डन है, ठीक है, कवर गर्ल का। पहले थोड़ा सा वो लगा कर ना, ऑरेंज करेक्टर, सपोज मेरा यहाँ स्पॉट है, ऑरेंज करेक्टर लगा लेना है, एक दो मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद कंसीलर लगा लेना है, ठीक है, कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर देना ताकि सर्कल ना बन जाए कंसीलर का, लाइक निशान ना बन जाए ना, वो जहां लगेगा वहीं जम जाएगा। कंसीलर लगा के ना उसको जरा डैब डैब करके ब्लेंड कर देना, उसके बाद फाउंडेशन लगाना, फिर नहीं होगा ब्लैक, ग्रे भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच यार, वाकई में 100K के देखो कितना करीब हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरे ना 99K फॉलोवर्स हो गए हैं यार, सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा था मुझे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी यार। यार देखो अपना स्ट्रगल और अपना टाइम तो याद रहता है ना, मुझे याद रहता है बार बार यार कितना मुश्किल था 1000 फॉलोवर्स करना मेरे लिए, ताकि मेरे पास लाइव का ऑप्शन आ जाए या वेबसाइट डालने का ऑप्शन आ जाए। मेरे देखो 100K होने वाले, चले यार चलता रहेगा, 100K भी, मिलियन में भी पहुंचेंगे ही हम, कछुए की चाल चली हुई है। वालेकुम सलाम असमा, मैं ठीक ठाक यार, आप कैसे हो? देखो असमा कितने दिनों बाद मैं आज लाइव आई हूँ। मैं लाइव नहीं आने लगी थी, मैं ना वो करने लगी थी, वीडियो बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो 1.5 आवर है, मेरे अभी क्लास शुरू हो जानी है, उतनी देर में ना मैं वीडियो बना लूँ, एवं मैंने फिर लाइव स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यार, काफ़ी देर से सब कह रहे थे कि लाइव नहीं आई, लाइव जाके ना थोड़ी सी गप्पे शप्पे मार के आती हूँ, साथ साथ थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, 12 बजे मेरी क्लास है, तो मुझे उससे पहले ना ख़त्म करना है इसको। इसी वजह से हम कोई बहुत हैवी वाला मेकअप नहीं करेंगे, थोड़ा लाइक हल्का वाला सॉफ्ट टच। मुझे, मैंने भी किसी का मैसेज देखा था कट क्रीज के लिए, कट क्रीज में ना थोड़ा टाइम लग जाता, मैं आज नहीं करूंगी, बाद में बात करूं, क्वीन काम करूं। हाय अल्लाह, ये जो लोग ऐसे लिखते हैं ना, सबा कासिम प्यारी अनम, तेनू बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। मेरी ना अक्सर वीडियोस में भी किसी ने लिखा होता है प्यारी अनम, कितना अच्छा लगता है। ये आप में से जो लोग, जिन लोगों की इतनी सारी सपोर्ट होती है ना, इतना सारा प्यार होता है, इनकी वजह से ना ये जो हेट कमेंट होते हैं ना, वो मेरा दिल नहीं दुखाते कि चलो यार इतने सारे लोग प्यार भी तो करते हैं ना, अगर कोई बीच में से बुरा भला कह भी रहा है तो कोई बात नहीं है, हर किसी के अपने अपनी सोच है ना, उनको मैं नहीं अच्छी लगती, हो सकता है सच कह रही हूँ। नहीं अच्छी लगती तो नहीं लगती भाई, मैं जबरदस्ती थोड़ी किसी को कह सकती हूँ मुझे पसंद करो, लेकिन जिनको अच्छी लगती है उनको लगती तो होना। डार्क सर्कल्स के लिए यार मैं अभी क्या बताऊं, अगर आप कोई क्रीम श्रीम पूछ रहे हो तो डार्क सर्कल की क्रीम मैं आपको बताऊंगी कोई वीडियो वगैरह में, और अगर आप मेकअप का पूछ रहे हो डार्क सर्कल का, तो मेकअप अभी मैंने खुद भी कवर करना है, डार्क सर्कल कवर करना है ना मेकअप करके, आप वो देख लेना। चलें जी, आईब्रोज की फिलिंग हो गई है, अब इसका मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूं, जिनको नहीं अच्छी लगती उनकी नजर खराब है, मुझे भी यही लगता है, उन्होंने मुझे लगता है गौर से देखा नहीं, उन्होंने भी हमारे काम को गौर से नहीं देखा, उन्होंने देखा नहीं है कि कितना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है इधर। हाय एनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? एनी देख लो यार, मैं कितना बिजी चल रही थी, मैंने कितनी बार प्लान बनाया था लाइव आने का, ही नहीं सकी। यकीन करो सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए गई थी, आखिरी पैकिंग वाला डब्बा आज फेंक के आई हूं मैं, पैकिंग वाला ही कितना काम था मेरा। और फिर पता क्या होता है, जब हम बेसमेंट में थे ना, वहां हमारे पास स्टोरेज रूम एक्स्ट्रा थे, अब यहाँ पे आए ना, यहाँ पे सिर्फ ये जो वार्डरोब है यही है, इनमें ये सारी चीजें रखनी हुई होती हैं। एनी बस ऐसे ही होता ना, मैंने भी कितनी बार ट्राई किया था फिर आ नहीं सकी। अच्छा ना वो अब स्टोरेज में, जब वहां पे स्टोर रूम्स में सामान रखा हुआ था ना, उनके लिए अब यहाँ जगह नहीं बन रही थी मेरे से, वार्डरोब में पहले मैंने सारी चीजें सेट की, फिर देखा बॉक्सेस में से और चीजें निकल रही हैं, फिर सोचा यार अब ये वाली कहाँ रखनी है, फिर वार्डरोब खाली करो, फिर सेटिंग चेंज करके देखो, वहां से उठाओ वहां रखो, वहां से उठाओ वहां रखो, ताकि चीजें सारी पूरी आ जाए। आपको क्या पता मैंने कितना हार्ड टाइम निकाला चीजें एडजस्ट करने में, फिर कमर टूट जाती है। ये जो मेरे पीछे बेड पड़ा हुआ है, खैर से अपने कमरे की सेटिंग मैंने 3 बार चेंज की है, पहले मैंने ये विंडो के आगे यहाँ पे टेबल रखा हुआ था, जब उस दिन मैं लाइव गई थी, तो मुझे लग रहा था बड़ी अच्छी रोशनी आ रही है ना, अच्छा लग रहा है, क्लियर नजर आ रहा है सारा कुछ,
एक दो दिन बाद मुझे फिर लगा कि पता नहीं शीशे का शेड आ रहा है या क्या क्या हो रहा है, कि ब्लरी ब्लरी क्यों लग रहा है। फिर मैंने बेड मूव किया, टेबल पीछे वापस किया। अब जब वहां पे टेबल किया तो वहां पे लाइट ठीक नहीं थी, डार्क वीडियोस आ रही थी, फिर मुझे अच्छा ना लगा। फिर टेबल वापस इधर किया, बेड वापस पीछे किया, बहुत हैवी बेड है। मैंने अकेली ने उसको जोर से धक्के लगा लगा के ना फिर अपने रूम की सेटिंग चेंज की। तो वो देखो, जब मैं ऐसे के कामों में लग जाती हूँ ना, तो फिर टाइम जो है जाहिर है फिर कहाँ मिलता है फिर बाद में लाइव आने का टाइम। सेटिंग करके कमर वैसे मेरी टूटने वाली हो जाती है, फिर टूटी हुई कमर लेके मैं ना यहाँ बैठ नहीं सकती, मैं लेट जाती हूँ जाके। चले जी, माइसलर वाटर और क्यू टिप के साथ मैं इसको नीट कर रही हूँ। हाँ जी, यूट्यूब पे ना मेकअप की तो न्यू वीडियो अभी तक कोई नहीं आई। मेरा बहुत प्लान था मैं यूट्यूब पे भी कोई वीडियो बना लूँ मेकअप की, जो पहले से डली हुई है ना वही वीडियोस हैं। उसके अलावा जो मैं लाइव सेशन करती थी ना वो पोस्ट कर देती थी वहां पे। इतना काम करके पतला हो जाता यार, मैं पतला कैसा होती हूँ, मैं जितना काम करती हूँ उससे ज्यादा मैं बाद में खा लेती अच्छा ना, उसके मैंने ना यूट्यूब की वीडियो अभी नहीं बनाई थी। हाँ, मैंने एक दो व्लॉग बनाए थे, वो मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगी। मैं व्लॉग अपलोड करूंगी अपने डिलीशियस ब्रेकफास्ट का व्लॉग, आप लोग जरूर देखना मेरे व्लॉग ना चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो लाजमी कर लेना। अब आप जब मेरा प्लेटर देखोगे ना फिर आप कहोगे ना, जाहिर अब इतना खाती है तो उसने हेल्दी तो होना ही है ना, बेचारी का क्या कसूर है तो बस ही हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और कई वजूहात होती है ना, वो सबको बताई नहीं जाती। मेरा कंसीलर किधर गया? कंसीलर मेबेलिन का सुपर स्टेक कंसीलर यूज करिए, माफ करना मेरे मोबाइल को ठोकर लगी है। आप लोगों को कोई ठोकर से चोट तो नहीं लग गई? मैं वो जार पीछे रखने लगी थी, मोबाइल को लग गया। ये कंसीलर यूज कर रही हूँ मैं, इसके साथ मैं अपनी आईब्रोज को जरा नीट करूंगी। सारे मैसेजेस अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मुझे क्लास करनी है, तो मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से इसको डन कर दूँ ताकि जल्दी जल्दी से आपको लुक देख। ये मुझे 26 गेम फेस का पहले भी किसी ने मैसेज भी किया हुआ था, ये क्या है 26 गेम? मैंने कहा था अच्छा मैं इसको गूगल गूगल करके देखूंगी ये क्या क्या कह रहे हैं मुझे 26 गेम वाला मेकअप करें, मैंने देखा ही नहीं। ये स्क्विड गेम तो उधर चल रही थी आजकल टिकटॉक पे, तो मैंने स्क्विड गेम कर दिया। ये असमा, ये यहाँ पे नदीम भाई आए हैं कोई, उनको जरा ब्लॉक कर दो, उनको मेरी मूछों की बहुत फिक्र हो रही है। हाय उमा शर्मा, उमेश शर्मा, थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने न्यू फॉलो किया मुझे, थैंक यू। शायद बैठे बैठे 100 के पूरा हो ही जाए शायद मेरे बैठे बैठे यहाँ हो ही जाए चलें जी, कंसीलर भी हो गया, इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, आप वेट या ड्राई भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। मैं यूजुअली ड्राई ही यूज कर लेती हूँ, अभी भी मेरे पास ये ड्राई है। इसके साथ मैं अपने कंसीलर को करूंगी जी ब्लेंड। वो जो स्क्विड गेम वाला मैंने मेकअप किया था ना, या एक हेलोवीन वाला किया था, वो सबको बहुत पसंद आया था। मैंने किया ही शायद फर्स्ट टाइम था, तो वो बड़ा बड़ा डिफरेंट सा लुक था। मेरी कजन्स का मुझे मैसेज आया, यार ये तुम्हें क्या हो गया, अच्छा खासा मेकअप करती करती क्या करने लग गई हो? मैंने कहा ट्रेंड चल रहा था, मैं भी फॉलो कर लूँ। एनी पता नहीं यार, मैं ना बस कोई भी हल्का वाला ही करूँगी जो जल्दी डन हो जाए, मैं ज़्यादा उसमें कट क्रीज वगैरह में नहीं जाऊँगी, देर हो जाएगी ना। फिर कोई भी ऐसे हल्का सा शेड लगा लूंगी ताकि बस आंखें खाली ना रहे बस आंखों को फील कर देंगे। कंसीलर सुपर स्टे कंसीलर है मेबिलिन का। और इसका शेड मैं यूज करती हूँ लाइट मीडियम। मेरा नेम अनम, अनम, ये देखो रिव्यूज बाय अनम है ना, ये मैंने अपने नेम से रखा हुआ है। अनम फुल नेम है, अनम अर्शद। ठीक
ठीक है। फिर वही मसला ना, देखो चीजें नहीं मिलती। चले जी, मैं ये थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज करूंगी इनर कॉर्नर में। मैंने पिछले दिनों ना क्राइलोन का मेकअप यूज कर रही थी, लाइक फाउंडेशन और क्राइलोन का ही था वो कलर करेक्टर। इतना प्यारा कलर करेक्टर है क्राइलोन का, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तो उसको इतना यूज ही नहीं किया। असमा आप बहुत एक्साइटेड हो गए मुझे रैनी को देख देख के, हमें देख देख के और भी काफी सारे लोगों ने मेकअप करना स्टार्ट किया, और भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमने मेकअप करना शुरू कर दिया आपको देख देख के, हमारा भी दिल करता है। और ऐसा ही होता है, मेकअप की वीडियोस देखते रहो ना और किसी को मेकअप करता हुआ देखो तो ऐसा लगता है पता नहीं बड़ा आसान काम है, बस ब्रश उठाओ करना शुरू कर दो, तो एक्साइटमेंट में बंदा स्टार्ट कर लेते हैं। है तो आसान ही, लेकिन तब तक मुश्किल लगता है जब तक आपको आता नहीं है, जब आपको करना आ जाता तो फिर आसान लगता है। आपकी सिस की बेटी का नाम है अनम। पहले मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था कि मेरा नाम अनम रखा हुआ है, मुझे लगता था कि ना अनम कहते हुए ना अनम को लाइक आप जोर से आवाज नहीं दे सकते, एंड में आके तो मुंह बंद हो जाता है अनम। मेरा मेरा दिल करता था कि ना जिस नाम के एंड में आके मुंह खुल जाता है ना वो वाला नाम होना चाहिए, ताकि आपने उसको जोर से आवाज देनी तो दे सको। अब मुझे कोई जोर से आवाज कैसे देगा। तो इसलिए मुझे ना मेरी फैमिली वाले ना अना कहते थे, अना करके चीखते रहते थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। आईलिड पे मैं आई बेस यूज कर रही हूँ, ये आई बेस जो है अमेजोन की है, इसका नाम है बेकिसू, बहुत अच्छी आई बेस है। हाँ देखा, आपको मेकअप का शौक नहीं था ना, वो देखा देखी आ जाता है। हमारे ना नेबरहुड में, पाकिस्तान में ना, हमारे नेबरहुड में, पाकिस्तान में तो आदत होती है ना कोई भी अपने अपने घर से या अपने गैराज में से या अपने टेरेस से खड़े होके सामने वाले घर में जो आपके नेबर रहते हैं उनको आवाजें दे देते थे ना कुछ भी पूछने बताने के लिए। हमारे भी ऐसे था, हमारे भी लाइक हमारे भी टेरेस बना हुआ था घर में, सामने वालों के भी टेरेस था, वो अपने टेरेस से ना आवाजें देते थे, मेरी बहन को आवाजें देते थे वो। तो मैंने मम्मा से कहती थी कि ना ये लोग सिर्फ मेरी बहन को नाम लेकर उसी को क्यों आवाज देते हैं, मुझे तो कभी कोई नहीं आवाज देता। मैंने वैसे उनसे कहा मुझे क्यों नहीं आवाज देते, वो कहती तुम्हारा नाम बड़ा अजीब सा है। हम आवाज देते हैं, एंड में आके तो आवाज मुंह में रह जाती। मेरी बहन का नाम जाहिर है उसका थोड़ा डिफरेंट था कि आप मुंह खोल के आवाज दे सकते हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई यार मेरे मेरे नाम में तो मसला है। चलें जी, आईलिड देखो मेरी रेडी हो गई है, कितनी प्यारी आईलिड मैंने अपनी रेडी की है, नीट एंड क्लीन। आप इतना मेकअप नहीं करते लेकिन आपको पसंद है, चलो शुक्र आपको पसंद हुआ है, वरना एक बार तो मुझे एक लेडी ने कहा था, मैंने वैसे ही कहा कि लेडीज को मेकअप पसंद होता ना। वो मेरे ख्याल से ऐसे मेरा लाइव देख रही थी लेकिन कुछ कोई कमेंट नहीं किया था, जब मैंने कहा ना लेडीज को मेकअप पसंद होता, साथ ही उन्होंने कमेंट किया लेडी तो मैं भी हूँ लेकिन मुझे तो मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। मैं क्या तुझे देख क्यों रहे हो, अगर आपको पसंद ही नहीं है तो देखे भी नहीं। फिर लिपस्टिक कैसे लगाती हूँ मेरी जान, जब हम लिपस्टिक पे जाएंगे ना तो मैं आपको लिपस्टिक भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। चलिए जी, मैं अभी हुदा ब्यूटी का ये वाला पैलेट यूज कर लेती हूँ, अभी मैं अपना सामान निकाल रही थी तो मुझे ये पैलेट मिला, उसमें से मैंने कहा अच्छा मेरे पास ये भी है, मुझे तो पता नहीं है कहाँ कहाँ पे मेरे पैलेट घुस जाते हैं तो मुझे मिलते नहीं है, बाद में अचानक से निकले तो याद आता है अच्छा कौन सा। चलो मैं यहाँ पे ना ये वाला शेड यूज करती हूँ, पर्पल सा बड़ा प्यारा सा शेड है, इसके साथ थोड़ा सा ये शिमर ऐड कर लेंगे। ठीक है, आई ब्रश लिया मैंने आई शेडो ब्रश, इसके ऊपर लूंगी मैं जी पर्पल शेड, इसका नाम है लव बाइट। हाय सैयदा कैसे हो आप, पीछे फीडर, हाँ मेरे बेटे का है फीडर, पी के बाहर जाके टीवी देख रहा हो। मेकअप की यार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करोगे मेकअप करना आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलें जी, आईलिड को थोड़ा सा एक दफा दोबारा ब्लेंड कर लें ताकि कोई क्रीज ना रह जाए। रोज एंड गोल्ड यार, अब मैंने इस पे ये लगा लिया इसीलिए इसी को जाने दो, मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी जल्दी से कोई हल्का फुल्का सा लुक कर लें, हल्का फुल्का। सिंगल शेड्स वाले मेकअप इतने अच्छे हो जाते हैं ना, लाइट लाइट भी रहते हैं और हैवी भी नहीं लगते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं।
बस ऐसे शेड उठाना है और आईलिड पे लगा देना है, इतना सही काम होता है शेड्स का। ये ब्रशेस जो है मैं MSQ के यूज़ करती हूँ, ये मैंने अमेजोन से लिए थे। मेरी प्रोफाइल में ना अमेजोन के लिंक दिए हुए हैं। कल परसों ना मैंने ऐसे एक वीडियो बनाई कि लिंक्स कहाँ दिए हुए हैं ना, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपके लिंक्स हमें मिलते नहीं है कि कहाँ दिए हुए हैं आप, कहती हैं प्रोफाइल में है लिंक। फिर मैंने एक वीडियो बना के दिखाई थी कि ये जो एक ब्लैक वाला लिंक होता है ना, इस पर आपको क्लिक करना होता है ताकि आपको बाकी सारे लिंक्स मिल जाए। आपसे ब्रोज ठीक नहीं बनती हैं ब्रोज यार, फिर थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग ब्रो को शेप कैसे देनी है। एक दफा आपको समझ आ जाती है तो फिर अच्छी बनती है। मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल में देखने, मैंने कुछ ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं ब्रोज के लिए, अब वो चेक करना, शायद देख के आपको समझ आ जाए। ऐसे तो यूट्यूब वगैरह पे ना वीडियोस काफी मिल जाती है, लेकिन मसला ये होता है ना कि सबकी बात समझ नहीं आती। अगर आपको किसी की बात समझ आ जाती है तो आप उनकी वीडियोस देखा करें ताकि आप सीख सकें कुछ। इंग्लॉट आईलाइनर बहुत अच्छा है। कॉल आ रही है, दिखाओ जी। हाय मायरा, कैसे हो आप? चलें जी, पर्पल शेड जहां जहां तक मैंने अप्लाई करना था वहां तक कर लिया। इसी ब्रश के साथ मैं इसके थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी बाहर वाली साइड से। बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। इसी ब्रश के साथ मैंने ना थोड़े थोड़े से इसके एजेस ब्लेंड करने हैं ताकि लाइनें ना पड़े। अगर हम एजेस नहीं ब्लेंड करते हैं ना और दूसरा शेड लगा देते हैं तो नीचे वाली जो शेड होता है ना उसकी लाइन भी वैसे नजर आती रहती है, इसीलिए शेड को करना होता है ब्लेंड। थैंक यू सो मच बुना 636, आप बस मेरा लाइव वॉच करते हो, थैंक यू। हाँ जी ठीक है अस्मा, ठीक है। वो आप कहाँ जा रहे हो? मेकअप क्लास के चार्जेस के लिए यार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, इधर चार्जेस बताओ तो लोग तो हवा बना देते हैं चार्जेस को बताने का मुझे इशू नहीं है। मैंने एक बार वीडियो पोस्ट कर दी थी, इतने अजीब अजीब से मैसेजेस आई मुझे, फिर लोग तो चाहते हैं मैं फ्री में सिखा दूं। नहीं, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। जो फ्लफी से ब्रश होते हैं ना उनके साथ ब्लेंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाती है। चलें जी, ये डार्क वाला शेड मैंने अप्लाई कर दिया, अब यहाँ से ये शेड है प्ले ये वाला, ठीक है, इसके साथ मैं इसको आईब्रो तक थोड़ा ब्लेंड करूंगी। ब्रश मैंने अपना चेंज कर लिया, मैंने फ्लफी वाला ले लिया और एक्सेस को करेंगे डैब और यहाँ से हम इसको करेंगे ब्लेंड ताकि ऊपर वाला एरिया हमारा थोड़ा मैट भी हो जाएगा और पर्पल के साथ थोड़ा ब्लेंड भी हो जाएगा। फाउंडेशन मेरी स्किन से मैच नहीं होती, कोई बात नहीं, जाने दें, माफ कर दें फाउंडेशन को। जी बेटे, अभी तो आपने जूस पिया था। ओके, लाइव मेकअप देख के मजा आता है, मुझे भी लाइव मेकअप करने में मजा आता है। हम ओके, यस। विच फाउंडेशन यार, मैं कौन सा फाउंडेशन यूज करती हूँ यार, बताने का फायदा ही नहीं है। लोगों को लगता है मेरा फाउंडेशन मेरी स्किन से मैच ही नहीं होता, तो फिर मैं क्या बताऊँ, मुझे बताओ। ये मेरा आई शेडो मेरी स्किन से मैच हो रहा है कि आई शेडो भी नहीं हो रहा? मुझे तो लगता है मैं दुनिया से मैच ही नहीं करती बताओ, दुनिया छोड़ के चली जाओ।
आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है, मुझे भी अपना मेकअप बहुत अच्छा लगता है। लाइव नोटिफिकेशन नहीं आई है, पता नहीं आप टिकटॉक क्यों नहीं सेंड करते। हाँ ऑरेंज बाबा हाँ ना, सबको अपना अपने पड़ा हुआ है। आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है। भाई मैं मान लेती हूँ मैं खुद ही अच्छी नहीं हूँ। अब आपको कोई गिला नहीं होना चाहिए मुझे, मैं खुद ही अच्छी नहीं हूँ। चले जी, पर्पल वाला शेड लग गया, अब मैंने इसको और एक्स्ट्रा शेड नहीं लगाने। हाँ जी गाती तो ऐसा, मुझे मेकअप ना करने देना। मैं जूस ला के रख लूँ सही, मेरे बच्चे तो जूस की जान ही नहीं छोड़ते, पानी की जगह भी कहते हैं हमें जूस ही दे दो। हंस क्यों रहे, अभी तो हमने यूसर जूस पिया था, इतने सारे नहीं पीते बेटे, बेली में पेन हो जाती है। चले जी, मैंने थोड़ा सा शिमर ऐड करना है, यहाँ से मैं ये वाला शिमरी शेड ले रही हूँ। बच्चे ऐसे करते हैं ना, ये अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो जाहिर है स्कूल में स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, स्नैक्स ला के रख लो सही। मेरे बच्चे तो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको बस होता है हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद ना स्नैक ही देते रहो, जूस दे दो, कुकीज दे दो, चिप्स दे दो। मुस्टैशेस जी, मेरा भाई मेरी मूछें आई हुई हैं, फैशन में थी तो मैंने सोचा मैं रख लूं। आपने क्यों कटवाई हुई है, अपने आप ही मूछें रखें, शाबाश आप पे वो सूट करेंगे। मैं हाइलाइटर लेकर ना वही जो शिमरी वाला शेड था उसी को लगा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ। कितना बच्चा है आपके? मेरा 3 बच्चा है। ब्रो बोन को हम कर रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट। हाँ ना, सबको मेरी मूछों की फिक्र पड़ी रहती है, खुद मुछ मुंडे बन के घूम रहे हैं, मुछ मुंडे मुछ मुंडे का पता कि नहीं पता। मैं देखे बस हाईलाइट थोड़ा सा यहाँ इनर कॉर्नर में और ब्रो बोन के पास, और थोड़ा सा इसके ऊपर बस ग्लिटर डैब कर देंगे और हमारा आई लुक जो है कम्प्लीट। मीन्स मैंने एक्स्ट्रा वाले शेड एड ग्लिटर में, यहाँ से ये वाला ले लेती हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है ये, इसमें ग्लिटर वैसे दो ही है। चले ये वाला ले लेती हूँ, नहीं ये वाला, ये ज्यादा डार्क है। इसको थोड़ा सा लेंगे और इसको आईलिड पे डैब कर देंगे। प्रेस ग्लिटर है तो हमें शायद ग्लू की जरूरत नहीं पड़े, अगर ये चिपक गया तो ना चिपका तो ग्लू लगा के लगा लेंगे। नहीं यार मेरा पॉलर नहीं है। ये देखिए कितनी प्यारी शाइन आ रही है, जैसे रात में सितारे चमक रहे होते हैं। देखा मैंने आपको कैसे दिन में तारे दिखा रहे प्यारा लुक हो गया। इसके साथ हम लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर भी डेफिनेटली आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज कर लेती हूँ। मैं एक आईलाइनर लेकर आई थी, $5 का आईलाइनर लेकर आई थी मैं कहाँ से लेकर आई थी, अब कौन सी शॉप पे गई थी मैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसकी, क्या नाम था उसका, क्लोर ब्यूटी। क्लोर ब्यूटी से मैं ये आईलाइनर लेकर आई थी। किस ब्रांड का है, किस ब्रांड की, मैं वो तो यूज कर रही थी ना आईलैश ग्लू, मैंने सोचा किस का आईलाइनर भी यूज कर लो। चलें जी हम लगाते हैं आईलाइनर, अभी लग जाए सही सही। इसकी ना टिप थोड़ी सी वो थी हार्ड वाली, मुझे ना ब्रश वाली टिप ज्यादा अच्छी लगती है, वो जरा सॉफ्ट होती है ना, इजीली टर्न हो जाती है, और ये जो टिप है ना ये हार्ड है जैसे पेन की होती है, तो मुझे ये यूज करने इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। अब मैं करती हूँ, ओपन पोर्स आपके बहुत ज्यादा है। डार्क सर्कल मैं भी हाइड करूंगी ना, फिर आप देख लेना कैसे हाइड करते हैं। ये बस हमारा आई मेकअप डन हो गया, इसके बाद हम डार्क सर्कल पे ही जा रहे हैं। देखा ये हार्ड टिप है ना, मेरे से तो नहीं हैंडल हो रही हार्ड। आईलाइनर थोड़ा ज्यादा ही गीला गीला है,
मैंने आंख खोलनी है ना तो इसने ऊपर लग जाना है। थोड़ी सी आईलाइनर का मैं हवा दे दूं ताकि ये ड्राई हो जाए। ये मेरा हैंड फैन है, पास ही रखा होता है मैंने ड्राई करने के लिए। बाकी मेरा मेकअप कितना अच्छा लग रहा है। यू नो जिटलर? जिटलर क्या भाई? जरा आसान अल्फाज में लिखा करें, मुझे मुश्किल बातें समझ नहीं आती हैं। जिटलर क्या होता भाई? ओपन पोर्स का तो बताया नहीं आपने। ओपन पोर्स का मैं कह रही थी कि ये जो होता है ना केमिकल एक्सफोलियंट, वो यूज किया करो आप। पोर्स अंदर से डीप क्लीन हो जाते हैं ना, ये डबल क्लींस किया करो, डीप क्लीन हो जाते हैं ना पोर, उसके बाद फिर स्किन टाइटनिंग क्रीम यूज किया करो। पहले अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर स्किन टाइटनिंग क्रीम यूज की ताकि वो क्लीन होने के बाद थोड़ा सुकड़ जाए। आप कूल हो मैम? ओके थैंक यू। हाँ जी, शिफ्ट करने के बाद सेटिंग हो गई है हमारी सारी। बस हमारा फर्नीचर अभी ऑर्डर किया हुआ है ना, वो नहीं आया अभी, तो वो आ जाएगा तो फिर बस इंशाल्लाह और डन हो जाएगी। चलें जी, आई लाइनर ड्राई हो गया। आई लाइनर है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ड्राई करना पड़ा मुझे इसको। लेकिन देखो उतना जेट ब्लैक नहीं है ना, जैसे देखो यहाँ पर लाइने लाइने सी नज़र आ रही हैं। किसका लिया था मैंने ये? 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर है इसका, तो मैंने खैर टेस्ट किया था, लॉन्ग लास्टिंग तो है लेकिन थोड़ा सा लगाना मुश्किल है। हाय आंटी, हाय आंटी के बच्चे कैसे हो आप? आईलाइनर अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं, सही है बस, गुजारे जोगा। मुझे लगता है आईलाइनर इतना बुरा नहीं है, इसकी टिप अच्छी नहीं है, हार्ड वाली टिप है और वो ब्लेंड होने के बजाय ना लाइने लाइने सी लग जाती है उसके साथ। थैंक यू सो मच, आपको मेरा मेकअप और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थैंक यू। क्या हो गया दीदी? सर्दी? तो क्यों जूस पिया था? अच्छा ना जी, आई लाइनर ऑलमोस्ट हो गया डन, जल्दी से लगा लें आई लैशेज, बल्कि इसको भी मैं ड्राई कर लूँ साथ साथ, इसको ड्राई कर लूँ साथ साथ मैसेज। ये किस ब्रांड का 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर है? ये लॉन्ग लास्टिंग तो है क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया था हाथ पे लगा के, मैंने काफ़ी देर काम शाम किया, बर्तन धोए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आई लाइनर लगा रहा था। मेकअप के लिए ब्रशेज कोई ऐसा ब्रांडेड होना जरूरी नहीं है, ब्रशेज अच्छे होने चाहिए बस। मोटू पतला हो गया? कौन सा मोटू पतला हो गया भाई? छोटू को सामने करूं? छोटू, छोटे छोटे का आवाज देती हो? ओए छोटे, वो मुझे कह रहे छोटी। बच्चे तो हमसे भी चार आ गए होते हैं। मुजक्कर बोला फौरन से मोनस बोलते हैं। आई लैशेज मैं यूज कर लूँ, आई लैशेज चले जी, ये आई लैशेज हैं, इन्हें मैं लगा लूँ अब। आई लैशेज का मैंने सुबह एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक देखा था, मैंने सोचा था मैं उसको जरा ट्राई करूंगी, क्या वो वाकई अच्छा वर्क करता है या नहीं।
अभी तो नहीं ट्राई करूंगी, अभी तो मैं इसको ऐसे ही लगा लूंगी, लेकिन ट्री कभी जरूर ट्राई करेंगे। हाय श्रिया, कैसे हो आप? हेलो हेलो, हाय हाय, मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ। इतने सारे हेलो, इतने सारे हाय। मेरा फाउंडेशन शेड कौन सा? मुझे लाइक मीडियम वाले शेड्स में आता है, जैसे मैं फिटमी का यूज करती हूँ, 310, पता नहीं उसका नाम क्या। पंजाबी बोल के बताएं, मुझसे शादी करोगी? मैं अपने बच्चों का रिश्ते ढूंढती फिर रही हूँ, आपसे शादी करूंगी। मैं जरा लैश ग्लू लगा लूं, आर्डल का ये लैश ग्लू यूज कर रही हूं मैं, ठीक है? ये लैश ग्लू आर्डल का, इसकी निब टूट गई थी इसीलिए इसको मुझे नीचे से प्रेस करके ना, फिर मैं इसे ब्रश के साथ लगा लेती हूँ। यूसर डोर बंद करो। मैं कनाडा से हूं। आपका मॉडरेटर बना दूं? डेंजर ड्रैगन नहीं, डेंजर क्वीन। डेंजर क्वीन, ओके। मैं चेक करती हूँ मेरे पास मॉडरेटर की स्पेस है। मॉडरेटर की स्पेस ही नहीं है यार, ठहरो, किसी मॉडरेटर को रिमूव करती हूँ। अच्छा जी, कौन कह रहा था मॉडरेटर बना दूं? डेंजर क्वीन। बना दिया मैंने। नहीं अभी कोल्ड नहीं है, अभी तो वेदर बहुत अच्छा है कनाडा में, आज तो धूप भी निकली हुई है। मेरे ख्याल से और थोड़े दिनों में वैसे ही थोड़ा सा वेदर चेंज हो जाएगा ना, ठंड हो जाएगी, हो जाती है बीच में से अचानक थोड़ी हवाएं चलने लग जाती हैं, सर्दी आ जाती है, खनकी आ जाती है हवा में। कल वेदर बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है। चलिए जी, आई लैशेज पे मस्क वो लगा दिया मैंने ग्लू, अब मैं जल्दी से थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँ। मस्कारा ये मैं टेलीस्कोपिंग मस्कारा यूज कर रही हूँ लोरियल का, ये मैं लेकर आई थी, पहले मेरे पास जो था वो शायद वाटरप्रूफ नहीं था, ये वाला वाटरप्रूफ है, मैंने सोचा चलो इस बार वाटरप्रूफ वाला ले जाऊँ, ये ट्राई कर लेते हैं। इसका वैंड बहुत बारीक बना होता है ना, तो ये यूज करने में बड़ा ईजी रहता है, आपके आपका मेकअप नहीं खराब होता। वो समटाइम क्या होता है मस्कारा लगाते हुए ना, मेरा तो अक्सर ही ऊपर जाकर लग जाता है या यहाँ नोज के पास लग जाता है। कॉन्टोर जरा, यार मुझे ब्रोंजर अच्छा लगता है। अब मैं लूंगी अपनी लैश और इसको रख दूंगी बस अपनी आई पे। ब्लू टॉप पिक का ही शेडो, समझ नहीं आया दोबारा, तो ब्लू टॉप पिक, ओ ब्लू टॉप पिंक का ही शेडो, ये तो नहीं कह रहे कहीं आप? यार इंसल्ट करने से पहले जरा ठीक से लिखना तो था, मुझे इंसल्ट फील तो होती है, मुझे हंसी आ रही है, माफ करना बहन, इंसल्ट फील नहीं कर सकी मैं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। अच्छा जी, दूसरी आईलैश भी लगा लें, दूसरी आईलैश को लगाएं जी हम अपनी आईलिड पे। अच्छा, ये जिन लोगों को लगता है ना हम आईलैशेस लगाते हैं हमारी आईज हमें हैवी हैवी लगती हैं,
लाइक बर्डन फील होता है. आप लोग ना अपनी आई लैश को आई लैश पे लगाते होंगे, इसी वजह से ना वो आपको हैवी फील होती है या बर्डन फील होता है, या समटाइम आप ऊपर देखते हैं ना तो आपको अपनी आई लैशेज नजर आती है. आप अपनी आई लैश को ना अपनी स्किन पे लगाया करें, जब आप स्किन पे लगाते हैं ना तो फिर वो आपकी आईज पे बर्डन नहीं फील करवाती, और जब आप ऊपर देखते हैं ना तो फिर वो आपको नजर भी नहीं आती. स्किन पे लगाने का मतलब है ये बिल्कुल आई लैश के साथ साथ स्किन के साथ टच करे. अगर आप उसको अपने हेयर पे लगा देंगे ना तो फिर वो हैवी फील होगी आपको. पता नहीं आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या. नहीं चले जी, देखिए अभी लैश ग्लू नजर आ रहा है, अभी थोड़ी देर में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि ये वाइट है ना, अभी खत्म हो जाएगा. अभी मैं जरा सा कलर करेक्टर लगा लूँ. ये जो मुझे अभी पूछ रहे थे ना हम कलर करेक्टर लगाते हैं या डार्क सर्कल को कैसे कवर करते हैं, उनको मैं बता दूँ कि मैं डार्क सर्कल कैसे कवर करती हूँ. अंडर आई एरिया को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट गिरा हुआ है वो जरा निकल जाए. ब्रशेज ना मैं MSQ के यूज करती हूँ. MSQ के ब्रशेज मैंने अमेजोन से लिए हुए हैं, उसका लिंक मेरी प्रोफाइल में दिया हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं. डार्क सर्कल को कवर करने के लिए कवल पता नहीं क्यों निकल जाते जैसे मैंने एक दफा वीडियो बना रही थी क्या आपसे कभी ऐसा हुआ, पर्पल को पलपल कर दिया, पलपल ऐसे कवर को कवल. अच्छा चले जी, एले गर्ल का ये कलर करेक्टर है, इसको मैं लगाऊंगी अपने अंडर आई एरिया में जहां जहां पे मेरे डार्क सर्कल है और मुझे इन्हें कवर करना है. दोनों आईज पे मैं यहाँ लगा रही हूँ इनको. अगर आपके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है ना फिर जाहिर है आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगानी है. मेरे लाइक ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली डीप हैं या एक्सट्रीमली डार्क हैं, तो मैं इतना सा भी लगा लूँ तो मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है. ऑनलाइन क्लासेस जो हैं मैं जूम पे देती हूँ. मुझे अभी भी कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि आप क्लासेस कहाँ देती हैं, कैसे देती हैं. जो लोग यहाँ से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं ना वो भी कहते हैं आपकी लोकेशन कहाँ है. मेरी क्लासेस ना सिर्फ ऑनलाइन है, इन पर्सन क्लास नहीं दे रही हूँ मैं मेकअप के. अभी जैसे मैंने कोई इन पर्सन क्लास स्टार्ट की ना मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकें. ये देखिए फिंगर के साथ ही मैंने कलर करेक्टर को जो है ब्लेंड कर दिया है. आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिंगर के साथ ही बड़ा अच्छा इजीली ब्लेंड हो जाते हैं. बस डार्कनेस आपने सारी हाइड करनी है इसी के साथ, ठीक है. अभी इसके ऊपर आप कोई भी ऑरेंज वाला कलर करेक्टर यूज करते हैं ना जब अपने फेस पे या अपने आईज के नीचे. जूम क्लासेस फ्री कैसे हो सकते हैं यार क्लासेस. कोई भी कलर करेक्टर जब आप यूज करते हैं ना उसके बाद आपके लिए बेटर है कि फुल कवरेज कंसीलर यूज करें. फुल कवरेज कंसीलर जो है ना वो बहुत हेल्प करता है ऑरेंज वाले शेड को छुपाने में. कई बार क्या होता है आप मीडियम कवरेज या लाइट कवरेज वाले कंसीलर यूज कर लो ना तो वो जाहिर है लाइट कवरेज मीडियम कवरेज होते हैं उसके नीचे से ना आपका ऑरेंज वाला शेड नजर आने लग जाता है, इसीलिए फुल कवरेज यूज करना चाहिए. और मेरी जूम की क्लासेज जो है वो ऑनलाइन होती है, मेकअप की क्लासेज देती हूँ मैं. पेड क्लासेज हैं, फ्री क्लासेज कैसे हो सकती हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई कहीं भी आपको ऐसे फ्री क्लास देगा कोई अपना टाइम स्पेंड करके और कुछ भी ऐसा. यहाँ पे अगर मैं लाइव आती हूँ ना तो जाहिर है ये फ्री होता है, यहाँ से किसी ने सीखना है तो सीख लो. इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स से सीखना है, आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी फेस शेप के अकॉर्डिंग सीखना है, अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग सीखना है, तो फिर जाहिर है क्लासेस आपको पेड ज्वाइन करनी पड़ेंगी. क्लासेस की किसी भी किस्म की डिटेल के लिए ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है. ये कवर गर्ल का मैंने कंसीलर यूज किया, अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. ब्लेंड करके करते हुए ना इसको मैं थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे ले जाती हूँ ताकि कहीं पे कोई हार्श लाइंस ना रह जाए. कंसीलर का कलर है गोल्डन नेचुरल. देखे 11:15 हो गए हैं. गोल्डन नेचुरल शेड है मेरे स्किन पे तो ये मुझे सूट करता है, लाइक मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है शेड. अगर आपको लगता है ये ज्यादा लाइट है तो जाहिर है फिर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई दूसरा शेड ले लें जो आपको अच्छा लगता है. मेरे शेड्स मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हुए, लाइक मुझे लगता है पिक्चर्स में या वीडियोस में कैसे लगते हैं. आपको जैसे अच्छे लगते हैं आप वैसे ले लें. ये मेरे पास जहां जहां पे डार्क स्पॉट्स हैं या एक्नी वगैरह ना वहां मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा दिया ताकि यहां से ये डार्कनेस जो है सारी हाइड हो जाए, ठीक है. फिंगर के साथ इसको मैं ब्लेंड करूंगी.
कनाडा में ना मैं मिसिसागा में हूँ, मिसिसागा में। ये देखिए फिंगर के साथ यहाँ यहाँ जहाँ मुझे थोड़े निशान फील होते हैं ना, मैं वहाँ ऑरेंज करेक्टर लगा लेती हूँ ताकि मेरा फाउंडेशन वहाँ से बाद में ग्रे नहीं लगे। थैंक यू कृषिता, आप इसके लिए भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए। अभी अगर आपको लगता है ना कि ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद भी आपके फेस में निशान वगैरह नजर आ रहे हैं या आपकी एक्ने नजर आ रही है, डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं, तो फिर ऑरेंज करेक्टर के ऊपर ना हल्का हल्का से ऐसे आप कंसीलर भी लगा लें ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। जब ये और अच्छे से कवर हो जाएंगे फिर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, करेक्टर को भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी, कंसीलर को भी ब्यूटी करेक्टर को सच मैंने हाथ से ब्लेंड किया, कंसीलर को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। अभी देखो वो निशान खत्म हो गया ना, अब इसके ऊपर फाउंडेशन लगेगी तो जाहिर है बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे फिर। ट्यूटोरियल्स को टाइटल यार मैं यूजुअली दे देती होती हूँ टाइटल, तो काफी सारे ट्यूटोरियल्स के ऊपर मैंने लिखा हुआ होता है कि वो कौन से ट्यूटोरियल है। फिटमी का मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ 310 का शेड, और कभी कभी क्या होता है ऐसे गलती से बस जल्दी अपलोड हो जाती है वीडियो तो टाइटल उसका रह जाता है, अदरवाइज मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं उनको ना टाइटल दे दूँ। 310 शेड यूज कर रही हूँ मैं इसको, इसका फिटमी के फाउंडेशन का। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने इसको भी ब्लेंड कर दिया है, ब्यूटी ब्लेंडर जो मेरा अभी भी डैम्प है, मतलब ड्राई है डैम्प नहीं है ड्राई है। और थैंक यू कृषिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू रूमा अहमद, रू अहमद क्या नाम है। फाउंडेशन यार ये फिटमी का है, 310 इसका शेड है, इसका नाम पता नहीं क्या, सन बेज। फिट मी FITME मेबेलिन, मेबेलिन फिट मी 310 शेड। ये देखो ये कितना अच्छा फाउंडेशन मैच हो गया ना, सारे डार्क स्पॉट या स्कार्स वगैरह भी हाइड हो गए। हाय एंजल कैसे हो आप, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा फाउंडेशन मैं अपने फोरहेड पे भी लगा लूंगी। आईब्रोज हमने चूंकि पहले फिल किए होते हैं इसलिए जरा ध्यान से फाउंडेशन लगाना होता था कि आईब्रो को नहीं लग जाए, पता वरना आईब्रो जो है ना ग्रे लगने लग जाते हैं। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लेना फाउंडेशन को, फाउंडेशन आपका अच्छा ब्लेंड हो जाता है ना फिर उसमें क्रीज नहीं आती। अगर आप फाउंडेशन अच्छा ब्लेंड नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली उसमें क्रीज आ जाती है, वो पैसी लगता है, वो केकी लगता है, मतलब उससे बहुत मसले हो जाते हैं। लास्ट ईयर हम सागा में थे, ओके हम अभी भी मिसिसागा में ही हैं। चलें जी ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया था ना, मैंने उसको पाउडर से सेट नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले फाउंडेशन लगाना था। अब मैं इसको कंसीलर को एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड करके इसको पाउडर से सेट करूंगी। अगर आपको लगता है ना आपके एरिया में क्रीज आ जाती है तो यहाँ से थोड़ा सा इसको लिफ्ट करके ना क्रीज वाले एरिया में से फाउंडेशन को या कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया करें, उसके बाद उसको पाउडर से सेट कर दें, फिर उसमें क्रीज नहीं आती। वीडियो रुक रही है फिर से, पता नहीं क्यों रुक रही है, मेरे पास कनेक्शन तो अच्छा आ रहा है। ये मैं एल्फ का पाउडर यूज करती हूँ, अंडर आई सेटिंग पाउडर। इसको मैं थोड़ा सा अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लूंगी और अंडर आई एरिया इसके साथ सेट करूंगी। आप कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, मुझे लगता है ये जो एल्फ का अंडर आई सेटिंग पाउडर है ना ये बहुत अच्छा है, इसके साथ आपकी अंडर आई एरिया जो है ना सेट भी अच्छा हो जाता है, मैट भी हो जाता है, ड्राई भी हो जाता है और उसमें क्रीज भी नहीं आती। अगर आप अपने कंसीलर को ऐसे ही वेट छोड़ देंगे ना, गीला गीला रहेगा, फिर वो क्रीज कर जाएगा, इसीलिए उसको पाउडर से सेट कर दें ताकि वो क्रीज नहीं करे। और मेरे ख्याल से इसमें ना कोई शेड नहीं आते, ये जो अंडर आई सेटिंग पाउडर है ना ये ऐसे ट्रांसलूजेंट सा है, कोई भी स्किन टाइप के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं। एल्फ का अंडर आई सेटिंग पाउडर
मेरी प्रोफाइल में ना अमेजोन के लिंक दिए हुए, मैंने मेरी प्रोफाइल में जाएंगे आप, एक ब्लैक कलर का लिंक है उसको क्लिक करेंगे ना तो आप अमेजोन के लिंक उसमें से देख लीजिएगा, अमेजोन वेबसाइट के, उसमें मैंने इस किस्म के जो सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ ना उनकी लिंक्स वगैरह दिए हुए होते हैं। चले जी, लोअर लैश एरिया पे भी मैं थोड़ा थोड़ा सा शेड लगा लूँ। पहले मैंने इसको कंसील कर लिया, ड्राई कर लिया, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर शेड लगाऊंगी, सेम वही जो मैंने ऊपर लगाया था, हल्का सा शेड लेंगे और डैब डैब करके यहाँ लगा देंगे। बनाना पाउडर तो थोड़ा कलर में होता है ना, वो आप बेकिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो, अदरवाइज ना वहां वहां से स्किन का कलर आपका थोड़ा सा चेंज लगता है। मैं यूजुअली ट्रांसलूजेंट पाउडर यूज करती हूँ क्योंकि उनमें कोई शेड नहीं होता आपका फाउंडेशन का या आपके फेस में ना कलर डिफरेंस नहीं होता। थैंक यू अस्मा फॉर कमिंग बैक। ये देखें जो पर्पल सा शेड मैंने यहाँ लगा दिया, मैं बिल्कुल फ्लैट वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, सेम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा शेड मैंने यहाँ भी लगा देना है। पैलेट में ये यूज कर रही हूँ, प्राइमर मैंने यूज किया है, मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था जब मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी थी ना, तब मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया था और साथ ही मैंने प्राइमर भी लगा लिया था। अच्छा होता है वैसे अगर आप मॉइस्चराइजर के बाद फौरन बाद में लाइक प्राइमर भी लगा के रख लेना, जब तक आपने फाउंडेशन लगानी होती है ना प्राइमर आपका बड़ा अच्छा आपकी स्किन में एडजस्ट हो जाता है। अगर आप एक ही साथ में सारी चीजें लगाते रहते हैं ना चीजों की लेयरिंग हो जाती है, वो फिर ब्लेंड नहीं होती अच्छे से। चले जी, ये हो गया हमारा पर्पल शेड, बहुत ज्यादा मैंने कलर आज नहीं यूज किए, थोड़े थोड़े से कलर यूज किए। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, मस्कारा में यही यूज कर रही हूँ, लोरियल का टेलीस्कोपिक। इसके साथ मैं अपनी लोअर लैशेस पे थोड़ा सा इसको मस्कारा को ऐड करूंगी। आई केम बैक, आप कहाँ गए थे? कौन कौन मुझे लाइव सेशन में छोड़ के चला गया था मुझे मुझे तो पता ही नहीं चला था यार। आप में से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं प्लीज आप लोग मेरा यूट्यूब मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी फॉलो करना, जरा मेरे यूट्यूब को थोड़ा सा यार टाइम दिया करो ताकि वो चल पड़े। आई नो कि उसमें वीडियोस पुरानी वाली डली हुई है लेकिन पुरानी देख लो। चलें जी, ये हो गया हमारा आई लैशेस डन, ठीक हो गया। अभी मैं इसको पाउडर से सेट करूंगी। पाउडर मैं ये यूज करती हूँ फिटमी का, मुझे मेरे फाउंडेशन के शेड का सेम पाउडर है ये। आपको अगर लाइट वाला या डार्क वाला या जैसा भी आपको अच्छा लगे आप ले लो। मैं फाउंडेशन का शेड भी 310 यूज करती हूँ और मैं पाउडर का शेड भी 310 यूज करती हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे फ्लफी से ब्रश के साथ लूंगी और अपने फाउंडेशन को सेट करूंगी ताकि मेरा फाउंडेशन मैट और ड्राई हो जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा शाइन वाला फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है हल्का सा मैट। हाँ, मैं इंशाल्लाह कभी यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मुझे वहाँ पे देखने आना। मैं डेफिनेटली कोई टाइम टेबल सेट करके ना बताकर फिर यूट्यूब पे लाइव आऊंगी मेकअप के लिए, ताकि आप लोग आकर देख सको, वरना मैं अकेली बोर हो जाऊंगी क्या करूंगी मैं अकेली यूट्यूब पे। आप इसे जिससे मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, रिव्यूज बाय अनम, और मेरे नाम में जो अनम के स्पेलिंग है ना ANAM। अदरवाइज मैंने प्रोफाइल में भी लिंक दिए हुए होते हैं ताकि इजीली सबको मिल जाए, लेकिन प्रोफाइल में भी लिंक सबको इजीली नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सबको लिंक्स ढूंढने के लिए। इसी वजह से मैं नाम भी बता देती हूँ ताकि सही नाम से आपको मिल जाए। चलिए जी, आज मैं ब्रॉन्जर वगैरह नहीं कर ही लेती हूँ यूज़, ब्रॉन्जर के बगैर गुजारा नहीं होता। चले जी, थोड़ा सा मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, इस किस्म के मैं ब्रश पे लूँगी। ये भी मेबेलिन का ब्रॉन्जर है, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी अपने इस एरिया में जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए और जहाँ मुझे थोड़ा सा शेड देना। जी, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 3 किड्स। जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा वो देना था ना डायमेंशन, वहां वहां मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जर अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा ब्रॉन्जर मैं अप्लाई करूंगी डबल चिन वाले एरिया पे। ये वाला एरिया भी ना काफी फूल गया, हेल्दी हो गया,
डड्डू के जैसे। डड्डू का पता है कि नहीं पता भाई? जिनको डड्डू का नहीं पता ना, मैं उनको बता दूं, फ्रॉग को कहते हैं डड्डू। चलें जी, ये यार आप लोगों ने डड्डुओं की तस्वीरें भेजने शुरू कर दी है। ए वो देखो वैसे कहीं लग रहा है ना, वो देखो ये ऊपर किसी ने एक एक फ्रॉक की पिक्चर भेजी, देखो ऐसे का लग रहा ना। कसम से इतना बड़ा हो गया यहाँ से, फूल गया, फूल सी गई हूँ मैं यहाँ से। तो चले जी, ब्रोंजर के साथ मैंने अपने फूले हुए हिस्से की भी ब्रांडिंग कर दी है ताकि ज्यादा नजर ना आए। देखा छुप गया ना, थोड़ा सा हाइड हो गया। चले जी, इसी ब्रोंजर के साथ थोड़ा सा मैं इसको फोरहेड पे लगाऊंगी। ये देख लो, गंदे बच्चे बन गए सब, डड्डुओं की तस्वीरें भेज रहे। यार मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोगों ने सच्ची मुझे तस्वीरें भेज दी। अब तो सबको पता चल गया होगा, अब तो जिसको नहीं पता ना उसको भी डड्डू का पता चल गया होगा, डड्डू क्या होता है। मैं ना अपने बच्चों को भी ना, बच्चे जब छोटे हैं ना, छोटे थे, अब तो माशाल्लाह तो फिर थोड़े बड़े हो गए, वो ना उछलते रहते थे, छलांग मार के इधर जा रहे हैं, छलांग मार के इधर जा रहे हैं ना, मैं उनको भी ऐसे कहती हूँ, तुम लोग डड्डुओं की तरह उछलते रहते सारा दिन, टिक जाओगे किसी एक जगह पे। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो छोटे वाले बेटे को साथ लेकर जाती हूँ, वो भी ऐसे करता है, छलांग मार के उधर, छलांग मार के उधर। कभी आप देखो ना पानी में, वो जो फ्रॉक के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे कर रहे होते हैं, उनसे टिका नहीं जाता किसी एक जगह पे, भागते फिर रहे होते हैं वो। चले जी, ये ब्यूटी ब्रॉन्जर के साथ मैंने थोड़ा सा नोज को कंटूरिंग वाला शेप दे दिया। अभी कंटूरिंग को हल्का हल्का सा मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि ज्यादा शार्प नहीं लगे। मैं डियर कनाडा में हूँ। हाँ, हेल्दी होने की वजह से होता है ये। चलिए जी, ये हो गया है ब्रॉन्जर डन। ब्लशर में थोड़ा सा ये यूज करूंगी, निक्स का है, इसका शेड क्या है, शिमर ब्रीज, समर ब्रीज, शिमर ब्रीज नहीं, समर ब्रीज। ब्रॉन्जर का शेड है 300। यार ये ब्लशर नहीं खुल रहा, खुल गया। चले जैसे राउंड सा ब्रश लिया हुआ है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लशर। मुझे ना शिमर वाले ब्रश ब्लशर ज्यादा अच्छे नहीं लगते, मुझे ना मैट वाले अच्छे लगते हैं। अक्सर आपको ब्लशर मिलेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा शिमर भी होगा, मुझे अच्छा लगता है कि लाइक यहाँ पे आप मैट लगाओ और जहाँ हाइलाइटर लगाते हैं ना वहां पे आप थोड़ा सा शिमर वाला हाइलाइटर, क्या नाम है इसका यार, ब्लशर यूज कर लो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन सारा शिमर नहीं अच्छा लगता। ये हो गया है जी हमारा ब्लशर भी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ भी रब कर दूँ फोरहेड पे भी ताकि फोरहेड ज्यादा वाइड ना लगे। अगर आपका फोरहेड ज्यादा वाइड नहीं है ना तो फिर आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अगर आपका भी फोरहेड वाइड है तो फिर बेटर है कि आप भी लगा लगा के ना हाइड कर लें। नहीं, मैं यूके में नहीं हूँ, कैनेडा में। ये देखिए, ये हाइलाइटर है ना, इसमें ये ब्लशन है ना, इसमें ये वाला जो ब्लशन है, ये वाला ब्लशन है, ये वाला, इनमें थोड़ा थोड़ा सा शाइन है, ये वाला मैट है, ये वाला मैट है, ये वाला मैट है। अब ये वाला जब मैं चीक्स पे लगाऊंगी ना तब ये बड़ी प्यारी शाइनिंग देगा, मुझे पूरे फेस पे लाइक पूरी चीक पे शाइन वाला अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा एजिस पे लगा लो ना, जहाँ जहाँ पे आप हाइलाइटर वगैरह यूज करते हो, तब इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। अब देखो यहाँ पे ना ये शाइन आ गई है हल्की हल्की सी, मुझे बस इतना इतना अच्छा लगता है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी लगा लें। यार ब्रशेस ना मैं ऐसे रैंडम यूज करती हूँ, जैसे किसी ब्रांड के भी आ जाते हैं, लोकल भी हो जाते हैं, अमेजोन वगैरह से ले लेती हूँ। ब्रशेस का ना वो नहीं है इतना कि मैं किसी एक ब्रांड के यूज करती हूँ या एक्सपेंसिव यूज करती हूँ, मेरे पास बड़े रीजनेबल प्राइस वाले ब्रशेस हैं। अब हम लगा लें थोड़ी सी लिपस्टिक। चले जी, ये लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं मेबेलिन सुपर स्टे, देखा मेरे पास कितना सारा मेबेलिन सुपर स्टे का स्टफ होता है।
आईब्रोज पे मैंने पोमेड लगाया है। आई लैशेज मैंने अमेजोन वाली ही यूज करती हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी आई लैशेज यूज की हुई है ना, सब अमेजोन की ही हैं। और उनके लिंक्स जो है ना, मैं अपनी प्रोफाइल में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे देखने में। मैं आपको आई लैशेज दिखा देती हूँ कौन सी यूज की है मैंने। ये आई लैशेज हैं 3D115, इनका नंबर है ठीक है। इस तरह से ना इनके नंबर लिखे होते हैं, 3D115। 3D आई लैशेज हैं ये। फ्रंट वाला एरिया थोड़ा शॉर्ट होता है, बाहर वाली साइड से लॉन्ग होती है, जैसे फॉक्सी टच वाली आई लैशेज होती है ना वो। अगर आपको हैवी आई लैशेज चाहिए तो आप इस किस्म की आई लैशेज ले लेते हैं। ये जरा एक्सट्रीमली हैवी आई लैशेज हैं, इनका लुक बड़ा अच्छा हो जाता है अगर आपको हैवी मेकअप करना है। उसके अलावा मैंने ये वाला पैक ऑर्डर किया है, इसमें भी सब मैंने हैवी आई लैशेज ऑर्डर किए हैं क्योंकि मुझे हैवी वाली ज्यादा अच्छी लगती है। रेड लिपस्टिक, ये नहीं अच्छी लग रही रेड लिपस्टिक। ओ शिट यार, मेरी लिपस्टिक्स गिर गई। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा रेड वाला भी लगा लेते हैं। ये रेड भी नहीं, पिंक हो गई है। शॉकिंग पिंक शेड बन गया ना ये। अब थोड़ा थोड़ा सा रेड लग रहा है। भाई बार बार नहीं चेंज हो सकती लिपस्टिक। अब पिंक के ऊपर तो रेड लग गई, रेड के ऊपर ब्राउन नहीं लग सकती। तो चलें जी, ये था हमारा फाइनल लुक। मेरी अभी मेकअप क्लास का टाइम हो रहा है, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं स्पेंड कर सकती क्योंकि मुझे अभी दो शशकों वाली वीडियो बनानी है। फिर मुझे अभी थोड़ी सी पिक्चर्स लेनी है, और पिक्चर्स लेने के बाद मैं अपलोड करूंगी। वैसे पिंक वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी, रेड थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो गई है ना। पिंक ज्यादा अच्छी लग रही थी ना। थोड़ा उतार लूं, आई पेंसिल ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। आई पेंसिल के बगैर मैंने खुद ही नहीं लगाई, मैंने सोचा आज आई पेंसिल के बगैर रहने देते हैं। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए लुक में। अल्लाह हाफिज। चलो यार, अच्छी लग रही है, वैसे बुरी नहीं लग रही रेड भी। कोई बात नहीं, गुजारा करो आज रेड लिपस्टिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।